Hey guys, welcome back to my channel and today's video is going to be so amazing because आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं DIY super fun paper squeezy toy वो भी without using cotton. So वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना. तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. So paper squeezy बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा paper. तो इसमें थोड़ी बहुत ड्राइंग बनी है उसे इग्नोर करो. तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. तो सबसे पहले एक काम करो, उसमें अच्छी सी क्यूट सी ड्राइंग बना लो. तो अगर आपको कोई ड्राइंग आइडिया नहीं आ रहा है तो बिल्कुल जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा बना लो. अगर आपको कोई अपनी मनपसंद ड्राइंग बनानी है तो वैसा बना लो, इट्स योर चॉइस. वैसे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक क्यूट सा वाटरमेलन. पता नहीं आप लोगों को क्यूट लग रहा है या नहीं, बट मुझे तो क्यूट ही लग रहा है. तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन के जो सीड्स है उन्हें ब्लैक कलर से फिलअप कर देती हूँ एंड आइस को भी हम ब्लैक से ही फिलअप करेंगे. तो पूरा कलर होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लुकिंग क्यूट राइट. सो अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को कट आउट कर लेंगे. तो जैसा कि आपको पता है हमने पेपर को फोल्ड किया था. सो एज अ रिजल्ट यस यू गेस इट राइट, हमें टू पीसेस मिलेंगे बिल्कुल सेम शेप एंड साइज के. तो जो हमारा सेकंड पीस था उसे भी मैंने कलर अप कर लिया है बिल्कुल वाटरमेलन के ही कलर का. तो अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना. सबसे पहले आप दोनों पीसेस को लो और एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से रख दो. देन यू विल नीड एनी ट्रांसपेरेंट टेप. तो सबसे पहले एक छोटा सा पीस कट करो ट्रांसपेरेंट टेप का एंड उसे कॉर्नर्स में कुछ इस तरीके से स्टिक कर दो. तो ऐसे ही आपको सारे कॉर्नर्स में स्टिक कर देना है, बट एक जगह आपको खाली रखनी है ताकि वो थोड़ा सा पॉकेट या पाउच जैसा बन जाए, यू कैन से लाइक. तो या देन हम अपने वाटरमेलन को टर्न आउट करेंगे लाइक आपने जो भी शेप बनाया वाटरमेलन यूनिकॉर्न व्हाटएवर. तो उसके बाद हम उसे स्टार्ट कर देंगे कवर करना ट्रांसपेरेंट टेप से. एंड यू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज अब हम स्क्वीजी टॉय बना रहे हैं तो उसको स्क्वीज तो आप करोगे ही, तो क्या होगा पेपर जो है वो फट जाएगा एंड उसमें हर जगह डेंट्स आ जाएंगे. तो हम उसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सेफ रहे, है ना. अब इतनी मेहनत से बना रहे हैं, फट जाएगा तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं. अब आगे वाली साइड को भी हम ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर लेंगे क्योंकि आगे वाली साइड को भी प्रोटेक्शन चाहिए ना, राइट. सो अब हम इसे पूरी तरीके से कवर कर लेंगे एंड जब ये कवर अप हो जाए हम लेंगे सीजर. तो सबसे पहले काम करते हैं अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि टेप निकले ना. ओके देन हम लेंगे सीजर एंड कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा टेप निकला हुआ है उसे कट आउट कर लेंगे. वेल आई थिंक ये टेप को कट करना भी काफ़ी सेटिस्फाइंग है. सो जब ये कंप्लीट हो जाए आप देख सकते हो कुछ ऐसा पॉकेट जैसा बन गया है. अब इसके अंदर हम फिल करेंगे कॉटन नहीं, अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है प्लास्टिक पॉलीथिन. लेकिन उसकी भी एक स्पेशल ट्रिक है, वो कैसे लेट मी टेल यू. सबसे पहले आप प्लास्टिक पॉलीथिन लो एंड उसे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे यू नो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करते जाओ लाइक दिस. एंड गाइस यू नो व्हाट, आप इसे जितने छोटे पीसेस में कट करोगे उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगा. एंड जब ये पूरा कट आउट हो जाए आप एक काम करो, अपना वाटरमेलन कवर लो, उसके अंदर आप इसे फिल करना स्टार्ट कर दो. एंड प्लास्टिक हमारे नेचर के लिए कितना हार्मफुल है ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप सब ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हो तो मैं दोबारा से लेक्चर नहीं दूंगी. एंड मोस्ट ऑफ द फिजिट टॉयज दे आर मेड अप ऑफ ईदर रबर और प्लास्टिक, यस और नो. बट गाइज इन दिस पेपर स्क्वीजी वी आर रीयूजिंग द प्लास्टिक जो कि सबसे बेस्ट बात है ना. तो इसे ट्राई ज़रूर करना. तो सब कुछ फिल करने के बाद जो ओपनिंग है उसे टेप की मदद से आप क्लोज कर दो. एंड नाउ योर सुपर फन पेपर स्क्वीजी टॉय इज रेडी, है ना, बहुत ही क्यूट एंड इसका साउंड गाइज इट्स सो रिलैक्सिंग, सो यू मस्ट ट्राई इट.